नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देखिए तो क्वेश्चन आप भारत देखिए, जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया ब्राह्मण गो बैक, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। एक ब्राह्मण प्रोफेसर के ऑफिस के बाहर लिखा गया कि गो बैक टू शाखा। खैर, इसके ऊपर क्या कानूनी कार्यवाही है वो इनिशिएट की जा रही है। मामला कोर्ट तक चला गया है, मामला नेशनल न्यूज चैनलों ने उठा लिया है, वो दूसरी बात है। लेकिन उन्हीं कुछ दीवारों के बाद सीक्वेंस में लिखा गया जय भीम। मतलब लिखने वाले ने बता दिया कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा पॉलिटिकल टेक क्या है। ये वो लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर को, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी चलती है। पर ये वही नहीं जानते कि ये वही बाबा साहेब भीमराव राम जी अंबेडकर हैं, उनके बीच में राम जी लगता है। पर ये उन्हीं का सहारा लेके, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके, उनकी किताबों का सहारा लेके, उनके आइडियोलॉजी का सहारा लेके हिंदुओं वाले दिन का काम करते हैं और खुद को हिंदू होने से अलग मानते हैं, खुद को बौद्ध मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब बौद्ध थे। पर ये बाबा साहब, उन्हीं बाबा साहब की बाकी किताबें नहीं पढ़ते जो पाकिस्तान के बारे में थी, पार्टीशन के बारे में थी और मुसलमानों के बारे में थी। ये उन्हीं बाबा साहब की बाकी जो उनका जो वर्किंग था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया, और उसी कमेटी का ये टेक था कि ये रिजर्वेशन बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, हट जाना चाहिए। ये बेवकूफ़ यही नहीं जानते कि इस देश में जन्म के साथ साथ कर्म से भी जातियां निर्धारित होती हैं। तो अगर आप पैदा दलित हुए हैं, दलित तो कुछ कास्ट थी नहीं हमारे यहाँ, लेकिन अगर कहने को कहते हैं, अगर आप पैदा दलित यानी कमजोर या पिछड़े हुए हैं, लेकिन आपका काम, आपके कार्य, आपका कर्म ब्राह्मण वाला है, यानी कि ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना और ज्ञान का उपयोग करके देश समाज का भला करना, ये काम ब्राह्मण का होता है, ब्राह्मण ही दिशा दिखाता है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया, वो उस कमिटी में बहुत मेजर रोल निभाया उन्होंने। आज भी यही जाना जाता है कि उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हमारे देश का। तो ये काम क्या है, ये किस कैटेगरी का काम है, आपको क्या लगता है? तो उस जय भीम जय मीम जो एक पॉलिटिकल नारा है, उसके अगर शैडो में आके, अगर आपने एक कम्युनिटी के लिए आपने जो प्रयास किया है कि हमें लिखेंगे, जेन्यून इन सब बातों के लिए जाना जाता है, जेन्यून ऐसे ही लोगों को पालता है। तो कुछ रेडिकल लोगों को तो समझाया जा ही नहीं सकता, वो अभी भी तर्क लेके आ जाएंगे, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हम पहले ये लिखेंगे ब्राह्मणों के लिए, वो कम्युनिटी जो देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में है भी नहीं, बहुत माइनॉरिटी में है, लेकिन आपको लगता है वो राज कर रही है। आपको ये भी नहीं पता कि कोई कोई गरीब ब्राह्मण है, तो आपको ये चाहिए कि वो ब्राह्मण है तो उसको दबाते रहो, क्योंकि उसने 1000 साल राज किया हमारे ऊपर। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वही लॉजिक मुसलमानों पे जाता है, मुसलमान कहते हैं कि हमने 800 साल राज किया, अब हम कैसे पीछे हट जाए। और जो जय भीम जय मीम का नारा लिए आप लोग घूमते हैं कि हम लोग दबे पिछले प्रताड़ित ब्राह्मणों के द्वारा परेशान किए गए व्यक्ति हैं, लोग हैं, कम्युनिटी हैं, हम मिलकर ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन क्या भारत की परिकल्पना ब्राह्मणों के बिना की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। आज तक ब्राह्मणों ने ही बड़े बड़े राजाओं को गाइड करके भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक कम्युनिटी के अगेंस्ट सोचता हूँ या एक कम्युनिटी के फेवर में सोचता हूँ। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि ये सारे अटेम्प्ट हिंदुओं के भीतर फूट डालने का प्रयास है। आपने कोई स्लोगन लिखा या लिखवाया गया या पॉलिटिकल नैरेटिव था, अब उस पर ब्राह्मण कुछ रिएक्ट करेंगे, उसके बाद यही लोग फिर से और अन्य कुछ इनोसेंट लोग जो मतलब मिले जुले होंगे, फिर भी ये सब कमेंटबाजी देख के ब्राह्मणों के तीखे पलटवार पे विक्टिम कार्ड खेलने आ जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा, तो एक साइकिल शुरू हो जाएगा नफरत का, हेट का, जैसे रवीश कुमार कहते हैं ना, डर का माहौल है। उसके बाद फिर ये नैरेटिव चलाया जाएगा, नोशन चलाया जाएगा कि देखो भारत में तो दलित समाज, पिछड़ा समाज एकदम दबा कुचला है, ब्राह्मण क्या क्या कह रहा है। लेकिन शुरुआत किसने की, ये कोई नहीं पूछेगा। जेएनयू की लगातार ऐसी हरकतों की वजह से देश में एकदम नफरत का माहौल जो बनता रहता बनता आया है। और अपने चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोग एक दूसरे से सिर्फ इसीलिए नाराज़ या नफरत ना करने लग जाए कि कुछ बेवकूफ़ों ने कोई नारेबाजी लिख दी है और उनको लगता है कि ऐसा लिख देने से ब्राह्मण शाखा में चला जाएगा या फिर ब्राह्मण भारत छोड़ देगा या फिर उनकी ब्राह्मणों से लड़ाई हो जाएगी, अब ब्राह्मण और बाकी अन्य वर्गों में तनाव हो जाएगा, तो उनको लगता है ऐसा करने से वो सफल होंगे। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजा हो सकती है, उनको कुछ भी होगा, लेकिन उनका इंटेंशन जो है वो सफल नहीं हो सकता। और अगर वो सफल हो गया तो ये भारत के ही विरोध में चला जाएगा, भारत ही टूटेगा और कुछ नहीं होगा। एट द एंड देश के लिए आप एक साथ रहिए। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।